अरे कुछ नहीं, 400 पार डीजल होगा, 400 पार दाल होगा, सीट नहीं। मोदी जी ने कहा था किसान सबका पेट भरता है, फिर मोदी जी ही ने किसानों पर जुल्म किया? क्या किसान ने गलतियां किया था? अपने मेहनत पैसा मांग रहे थे, आप ना सुनते ना देते, हाँ तो एक जवान बोल देते, कैसे इलेक्शन में पहले बोले थे 15-15 खुद वो डालेंगे और चार को एक इंसान ले जाके डलवाएगा। अच्छा, ये अब की बार हमारे का पूरा फायदा फायदा उठाएंगे और एक एक को उठा के घर से ले जाएंगे, लगेगा तो रिक्शे का भाड़ा हम खुद देंगे। अच्छा, लेकिन ले जाके वो डलवाएंगे। तादाद में शिवसेना में प्रवेश लिए है, मैं खुद बीजेपी में था पहले। पहले बात दिया शिवसेना, सुनो आज शिंदे जो तो जो काम किया और बाला साहब ठाकरे के खटे पड़े भी थे, खाट पे होते तो उसकी हिम्मत नहीं होती। आप कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ रहेंगे, बेशक बेशक जिंदगी रहे तो पूरे हिंदुस्तान के मंत्री बना के। 50 साल का झोपड़ा जो बचा हुआ है उसका झोपड़ा तोड़ दिया तो उसका बाप का चलता है क्या उसका? अरे बड़ा बुलडोजर बोले, मिलते नहीं मेरे खुलूस गहराइयों से मिलते नहीं। अरे वाह, ये सभी हिंदू मुसलमान कहते हैं भाजपा वाले झूठे हैं, ये मेरी सच्चाइयों से मिलता है। इनकी सोच बंटवारे की है, इनकी सोच आग लगाने की है, इनकी सोच झगड़ा किया लोग ने। एक काम तो मुझे बता, विकास किया? विकास किया और लोग किधर किया? करीब है हिंदू और मुसलमान का वही विकास। ने कहा कि देश बदल रहा है पूरी तरह। हाँ बदल रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन सिर्फ इनके आए और पूरे देश के खराब दिन आए, के चाहने वालों के दिन। साहब ठाकरे ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, आवाम के लिए किया, कौम के लिए किया। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नाला सोपारा के रहमत नगर इलाके में। आज रामनवमी के दिन था एक तरफ, और दूसरी तरफ ये था कि उबाटा यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के संगठन में कई लोग शामिल हो गए, जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन सभी ने आज ये पट्टा पहनकर कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल में शामिल होकर विश्वास जताया, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अब आगे की तरफ ये मोर्चा बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अब उद्धव बाला साहब ठाकरे के काम को देखते हुए लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे और भारी संख्या में समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे और मैदान पर उतरेंगे। आइए बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों इस संगठन में शामिल हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में शामिल हुए, क्यों हुए और कैसे वहां पर जाना हुआ? जब से आए तब से ना कोई विकास की बात है, ना कोई काम की बात है, बात है तो सिर्फ गुंडई की और बदमाशी की बात। जिसने कुछ बोला उसके खिलाफ उसका घर गिराया गया, उसको जेल में डाला गया, उसको सताया गया, तरह तरह की लोगों को तकलीफ दी गई। जो भी ना हो सका वो इन्होंने किया। बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन सिर्फ इनके आए और पूरे देश के खराब दिन आए और पूरे आवाम के दिन खराब आए। इन्हीं के चाहने वालों के दिन अच्छे आए, इन्हीं के दिन और बकिया तमाम लोगों के ही दिन बुरे आ गए। वो तो कह रहे हैं कि विकास बहुत किया शहर पूरे देश में प्रधानमंत्री, विकास किया, पेट्रोल का भाव देखो, डीजल का भाव देखो, आज तमाम महंगाई का भाव देख लो, देश की हालात देख लो, जनता की हालात देख लो क्या है। बोले कोरोना नहीं था, डरावना था, तमाम पैसा मोदी जी इकट्ठा कर लिए कोरोना के नाम पर, सबके मुंह पे चड्डी पहना दिए। चड्डी पहनाने से क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? चड्डी पहनाने से बीमारी नहीं आएगी। यही एसपी साहब ने कहा आप मुंह पे मास्क नहीं लगाए। मैं बोला साहब अगर मुंह पे चड्डी पहनाने से बीमारी खत्म हो जाए तो चड्डी पहना दूं, चड्डी पहनाने से अगर बीमारी खत्म हो जाए तो ठीक है, मैं भी मुंह पे चड्डी पहना देता, सबके मुंह पे बोलो चड्डी पहना दूं। तो उद्धव ठाकरे पर भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, और उन्होंने करके देंगे। उनके पिताजी ने भी अच्छा काम किया है, उनके पिताजी ने भी अच्छा काम किया है, बाला साहब ठाकरे। हाँ, बाला साहब ठाकरे बहुत बेहतरीन काम किए। बाला साहेब ठाकरे ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, आवाम के लिए किया, कौम के लिए किया। हमारे वहाँ इज्तिमा हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने तमाम उसमें काम किया, अच्छे काम किए उन्होंने। तो आप पूरी तरह विश्वास है? और पूरी तरह विश्वास है भाई। लोकसभा चुनाव में अगर डराया जाएगा तो क्या करेंगे? अरे भाई डराया जाए गोली मार दिया और क्या करेंगे? अब जबरदस्ती तो आज भी हो रही है, जबरदस्ती हिंदुस्तान के लास्ट कोने से, हम लास्ट कोने पे खड़ा है, जगह जगह पे जबरदस्ती हो रही, जगह जगह पे लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अब आज सब उनके हाथ में है, जो करना चाहते वो करें। लेकिन आपका इस बार पूरा साथ उद्धव वाला साहब? बेशक बेशक, हम सब साथ में हैं उनके, हिंदू मुसलमान। अजय अजय जी, क्या नाम है आप, कैसे कैसे लगता है रहमत नगर में आप पूरी तरह उद्धव वाला साहब ठाकरे की तरफ? रहमत नगर में ही नहीं, वसई विरार तालुके में 99% मुस्लिम उद्धव वाला साहब ठाकरे के साथ है, रहेगा, लोकसभा में उनके उम्मीदवार को जिता के लाएगा।
और उनका जो कार्यकाल रहा उद्धव बाला साहब का, उद्धव साहब का 2.5 साल का, उस कार्यकाल के पीरियड में आपदा आ गई हिंदुस्तान में। आपदा बोले तो कोरोना के नाम की आपदा, और उस टाइम पे एक मजबूत लड़ाई योद्धा के जैसा हमारे उद्धव बाला साहब ने लड़ाई लड़ा, लोगों को भेजने में और लोगों को खाना खिलाने में, लोगों को मजबूती देने में, लोगों को, तो कहते हैं उन्होंने बड़ा काम किया, रोजगार दिया और बहुत तरीके के काम किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदल रहा है पूरी तरह। हाँ बदल रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। क्या विकास किया लोग ने? कोई विकास, एक काम तो मुझे बताओ, विकास किया? विकास किया लोग किधर किया? करीब हिंदू और मुसलमान विकास, वही विकास किया लोग, वही लड़ाई लगा रहे लोग, और कोई विकास नहीं किया। 50 साल का झोपड़ा जो बचा हुआ है उसका झोपड़ा तोड़ दिया तो उसका बाप का चलता है क्या उसका? अरे बड़ा बुलडोजर बोले, उसका बड़ा बुलडोजर बाबा बोले। यानी अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से सब कोई शामिल हो गया है वो बाटा में, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज तक 2.5 साल उदय साहब की जो मुख्यमंत्री बनकर रहे, पूरे हिंदुस्तान में आपने सुना होगा, हर जगह बवाल सुना होगा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर कहीं हिंदू मुस्लिम आपने सुना नहीं होगा। हम इसलिए उनको इतना चाहते हैं और हमेशा चाहते ही रहेंगे। जितने भी हमारे लोग हैं हिंदू मुस्लिम, जितने भी यहाँ पे भाई हैं, मतलब हम लोग इस तरह चाह रहे हैं उनको, बस जान माल से हर बात से उनको चाहते रहेंगे हम लोग। और उन्होंने आज तक जो भी करा है, जो लोग कर रहे हैं कि वहाँ हिंदू को मार, मुसलमान को मार दिया, कि आज उसकी गाड़ी में आग लगा दी, किसी की बुलोरो में आग लगा दी, तो इस तरह से इन लोगों ने जुल्म जो हमारे ऊपर करे हैं, लेकिन जुल्म हमेशा नहीं चलेगा ये। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सैयद। अब आ गए उबाटा में, क्यों? हम लोग उबाटा में इसके लिए आए कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की नीतियों को दुनिया भर में सराहा गया है। उद्धव बाला साहब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे हिंदुस्तान भर में नंबर एक के मुख्यमंत्री माने गए हैं, और उन्होंने कोरोना काल में जो काम किए हैं, सराहनीय काम किया है, और वैसा आज तक हिंदुस्तान में उस पीड़ा जो दौर कोरोना से गुजरा पूरा हिंदुस्तान, वैसा जिस तरह उन्होंने संभाला है, संभालने वाला जो काम किया है, और लोगों को, हमारे उत्तर भारतीयों को भर भर के ट्रेन यूपी भेजा, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ही ऐसे थे जिन्होंने ट्रेनों को चालू कराने का काम किया, और भर के वसई तालुका से, उनके मार्फत से वसई तालुका से भर भर के उत्तर भारतीय, हमारे उत्तर बिहार के लोग गए हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह सपोर्ट में थे। अच्छा, आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? शिंदे ने तो बांट दिया शिवसेना। सुनो, आज शिंदे जो काम किया, और बाला साहब ठाकरे के खटे पड़े भी थे, खाट पर होते, तो उसकी हिम्मत नहीं होती चीज करने की, उसकी जरूरत नहीं होती चीज की। अच्छा, तो जो थाली में खाना खाया, छेद किया उसने, मतलब एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। अरे कोई मंत्री नहीं भाई, बोलते हमने 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 वफादारी की, और अरे कोई वफादारी नहीं होती इसके अंदर। अब वो पार्टी में आस्था नहीं है, वो कह रहे हैं वो पार्टी में आस्था नहीं, सुना पार्टी में आस्था नहीं। बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर नए विचार कुछ लेकर नहीं चलते हो, कुछ विचारों नहीं। ये मोदी के पास में चल रही है, मोदी के पास में चल रही है। क्या नाम है? पास में चलते ना, मतलब अलग नहीं होते। क्या नाम है आपका? एस रहमान। आप आइए, आप बड़े देर से शांति सुन रहे हैं, तो इधर रहमत नगर में रहते हैं? हाँ, रहमत नगर। दबाव बनाकर आपको ले जाया गया उबाटा में? नहीं नहीं, मुझे दबाव डराया गया होगा कि चलिए लोकसभा चुनाव, मैं खुद गया हूँ, और उद्धव बाला साहब ठाकरे के काम को देखकर गया हूँ। अच्छा, कोरोना टाइम पे लोगों की मदद किए, यूपी जाने वाले लोगों की मदद किया, ट्रेन चालू कराए, बसों को चालू कराए, काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई उनके लिए। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये जिस तरीके का माहौल है इस समय, वो कैसा माहौल है, और क्या लगता है लोकसभा चुनाव इस समय जो माहौल है? आज हम लोगों ने करीब सैकड़ों की तादाद में शिवसेना में प्रवेश लिए है। मैं खुद बीजेपी में था पहले बीजेपी में थे। हाँ, अच्छा, छोड़ के अभी मैं इनका काम देख के उद्धव बाला साहब ठाकरे का, और हमारे यहाँ की जो मेजोरिटी है वो सब उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, इसलिए मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो पूरी तरह आप निष्ठा के साथ वहाँ रहेंगे, लेकिन वो तो कहते हैं महायुति जो भारतीय जनता पार्टी है, उद्धव शिंदे की सम्मिलित सरकार है, क्योंकि बहुत काम किया है, लोगों तक जाते हैं, हमारे जनधन तक काम करने वाली सरकार है, वो तो ये कहते हैं केवल जुमलेबाजी है। 15 लाख रुपया किसी के खाते में आया नहीं अभी तक, और हर आदमी यही सवाल उनसे कर रहा है, ना कोई विकास हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे विकास हो रहा है। अच्छा, लोग थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं, इन सभी लोगों का एक ही बात अलग अलग तरीके से कहना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल में इन्होंने आज पक्ष प्रवेश किया है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि हम उनके साथ हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारा साथ दिया है, हम सबके साथ खड़े हुए हैं। ये शख्स हैं जो बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाली खान। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नहीं, रमन नगर, नाला सुपारा नगर। नाला सुपारा। तो यहाँ पर 30 साल से एक छत्र है, राज है हितेंद्र ठाकुर, और एक तरफ अब वहाँ लोकसभा का चुनाव, कुछ लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल के तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज कुछ लोग शामिल हुए रहमत नगर से,
आप क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में कैसा माहौल है, क्या कुछ हो सकता है? बहुत जरूरी है, क्या आना चाहिए? किसको? शिवसेना को। शिवसेना को आना? उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को आना? क्यों? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत पब्लिक के लिए चाहिए चाहिए। पर वो शिंदे के लोग कहते हैं यहाँ तो सब निष्ठा चली गई, यहाँ बाला साहब ठाकरे के विचार चले गए, और आना जरूरी है उद्धव ठाकरे, तो माहौल बिगड़ जाएंगे। हाँ, पूरे महाराष्ट्र में आना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में आना, पूरे महाराष्ट्र में आना चाहिए उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे काम अच्छे थे क्या? काम बहुत अच्छी है, अच्छे नहीं बहुत अच्छे, बहुत जरूरी है, अच्छे नहीं बहुत अच्छे, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बहुत है अच्छे। क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे? उनकी नीति अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, उनके पिताजी भी अच्छे थे, ये लोग का ना नेचर अच्छा है, ना चलावा अच्छा है, ना काम अच्छा है। सोच का अच्छा नहीं, भाजपा का, भाजपा का, भाजपा का बिल्कुल। इनकी सोच गलत है, इनकी सोच बंटवारे की है, इनकी सोच आग लगाने की है, इनकी सोच झगड़ा कराने की है, इनकी सोच से बिल्कुल मिलता नहीं। कहता है ना, मेरे खुलूस गहराइयों से मिलते नहीं, मेरे खुलूस गहराइयों से मिलते नहीं। अरे वाह, ये सभी हिंदू मुसलमान कहते भाजपा वाले झूठे हैं, ये मेरी सच्चाइयों से मिलते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ रहेंगे? बेशक बेशक, जिंदगी रहे तो पूरे हिंदुस्तान के मंत्री बना के छोड़ेंगे उनको हम लोग। यहाँ पर आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इमरान। इमरान जी क्या कहेंगे, यहाँ तो तालियां बज रही है, शेर चल रहा है और उद्धव ठाकरे किसी के साथ में होने की तालियां बजने वाला काम ही हो रहा है, तालियां बजेगा, लोग मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। किसके साथ आप? किसके साथ? भाजपा? हम पक्के कट्टर शिवसैनिक है। कट्टर? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, चुनाव में बड़ा प्रलोभन आता है, आने दो उसे, कुछ भी आने दो, कुछ भी आने, मानेंगे नहीं। नहीं, एक ही तरफ, एक ही तरफ भाजपा। भाजपा नहीं भाई, कट्टर शिवसैनिक, कट्टर, बाला साहब ठाकरे। चलिए, ये यहाँ पर लोग थे और इन सभी में से अलग अलग प्रतिक्रिया सभी की, और सबका एक ही बात कहना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल में इनका विश्वास है, इनका भरोसा है। क्या नाम है आपका? जर्रार खान। कहाँ रहते हैं आप? रहमत नगर। रहमत नगर में रहते हैं। तो किसको वोट देंगे इस बार, और क्या लगता है किस तरह माहौल है? माहौल इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन? जी हाँ, पूरी तरह उसके, पूरे तरीके लहर चल रही है, कुछ भी हो जाए। जैसे मोदी जी का डायलॉग था ना, लहर चल रही है। अब की बार इंडिया गठबंधन बाकी बचा कुछ नहीं, 400 पार डीजल होगा, 400 पार दाल होगा, ये डायलॉग क्या रहता है वो ये बताते हैं, 400 पार होगा क्या ये नहीं बताते कि ये 400 पार सीट नहीं, 400 पार सीट लेके आए। अरे 400 पार नहीं भाई, अगर ये 70 से ज्यादा ला दिए ना तो मेरे को आप बोलिए, अच्छा फिर मिलेंगे। ये माहौल, माहौल है तो किसको इस बार यहाँ पर भारतीय कामड़ी से, फिर अभी और दलों के आए? देखिए, हमको भारतीय कामड़ी को यहाँ से जिताना ही, भारतीय ही कामड़ी, भारतीय ही कामड़ी, इंडिया गठबंधन के पूरे इंडिया में बड़ा लोभ आता है, बड़ा प्रलोभ आता है, बड़े लोग आते हैं, वादे आते हैं, तो आप लोग भी टर्न हो जाएंगे? अरे भाई, हम लोग पैसे पे बिकने वाले नहीं, हम लोग मुसलमान है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुसलमान कभी भी पैसे पे नहीं बिकता है। वो छोटे बेचारे ठेले वाले, रेडी वाले, इनको कुछ भी डालोगे, किसी की भी जय जयकार करेंगे, लेकिन अब की बार वोट इंडिया गठबंधन को ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं, कहे का डर? कुछ लोग कहते हैं ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, वो डरेंगे जिसको अपने सत्ता में रहना है, जिसको करना। हमको क्या, हमारे पास क्या है? हमारे पास है खाली वोट, हमको खाली वोट डालना, वो ताकत हमको दिखाना, पूरी तरीके हो जाए, खुद वोट डालेंगे और चार को एक इंसान ले जाके डलवाएगा। अच्छा, ये अब की बार हमारे का पूरा फायदा, फायदा उठाएंगे और एक एक को उठा के घर से ले जाएंगे, लगेगा तो रिक्शे का भाड़ा हम खुद देंगे। अच्छा, लेकिन ले जाके वोट डलवाएंगे, जरूर डलवाएंगे। ये है यहाँ का जोश, ये है जुनून, ये है उमंग, ये है ताजगी। इनका कहना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे और कई अन्य लोग हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं। क्या नाम है आपके? काफी देर से आप सुन रहे थे सारी बातें, क्या लगता है आपको? नहीं, अब की बार तो कामड़ी ताई ही आएंगी। अच्छा, हाँ, तो अब इनका सुन लिए तो बोल दिए? नहीं, सुन लिए तो बोल नहीं दिए, ऐसा नहीं है, सुन सुन के बोलने वाला नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, यही हवा है। शिवसेना वो तो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार कहने से थोड़ी होता है। हम मैं कह दूं कि 400 नहीं, पूरा 500 सीट जीतेगी, तो ऐसा नहीं होता है ना। जो है वो है, जो जैसा यानी कि माहौल है हमारे यहाँ का, तो पूरा पूरा वही माहौल है, वही माहौल। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कई लोग चुनाव के दरमियान अलग अलग वादे फरियादे, वादे सब की जाती है। अरे तो वादे फरियादे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लगेगा अपना वोट डालने में कोई डर होता है नहीं ना?
नहीं नहीं कोई डर नहीं हो जाए, कुछ भी हो, लोकतंत्र का पूरा प्रयोग करेंगे, पूरा पूरा आजाद। उन्होंने कहा है कि विकास किया है बहुत ज्यादा और आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं। क्या विकास है आप बताइए, क्या विकास है बताइए, आप बताइए ना, आपको मालूम है क्या विकास है, आप बता दीजिए। आपसे प्रतिक्रिया नहीं तो मुझे तो नहीं मालूम है कोई विकास है, आप बता सकते, मुझे तो नहीं मालूम है कोई विकास है, आपको मालूम होगा क्योंकि आप हर जगह घूमते रहते हैं, आप बताइए क्या विकास है आपकी नजर में, कोई विकास, कोई विकास नहीं, विकास नहीं है बर्बाद है, बर्बाद विकास नहीं है बर्बाद है। रास्ता बंद किया गया, खिला गाड़ा गया, दरवाजे पे अगर भिखारी आए और भीख मांगे तो क्या उसका मारा जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों पे लाठी चली, आज किसान दो दो टाइम आए और रास्ते में खिला गाड़ा गया, रोका गया, उनकी बात ना सुना जाए। हमारे यूपी के अंदर लोग बोलते हैं दुश्मन को ऊंचा बैठना दो, अगर दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता है तो उसको सम्मान दो, इज्जत दो, अपना मत खाओ उसको खिलाओ। आज किसान गड़बड़ कर दिया, बहुत ज्यादा गड़बड़ किए, रास्ते में खिला गाड़े, उनकी बात नहीं सुने। आज खुद मोदी जी ने कहा था किसान सबका पेट भरता है, फिर मोदी जी ही ने किसानों पर जुल्म किया, क्या किसान ने गलतियां किया था, अपने मेहनत पैसा मांग रहे थे, आप ना सुनते ना देते, हाँ तो एक जवान बोल देते, कैसे इलेक्शन में पहले बोले थे 15-15 लाख आएगा, अमित शाह बोले वो जुमला था, तो भी एक जुमला बदल देते। तो इस बार कुछ भी हो जाए वोट एक तरफ जाएगा, एक तरफ जाए, एक तरफ जाए भैया, एक तरफ जाए। यहाँ पर लोग हैं, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, उन सबका कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन है इनके चेहरे पर, तो कई लोगों की अलग अलग बातें हैं, अब देखना ये होगा माहौल किस तरफ बढ़ता है। फिलहाल रहमत नगर नाला सुपारा के कई लोग आज उबाटा में शामिल हुए और उनका कहना है कि एक तरफ भारतीय कामड़ी को वोट को करने के लिए आप तैयार हैं। आगे आने वाले समय क्या कुछ रूपरंग होगा, पल पल का अपडेट देखते रहिए एशियन न्यूज़।